हेलो दोस्तों, तो आज चलते हैं मुरबाड़ घूमते हैं, मालसेज घाट देखते हैं और जुन्नर गांव चलते हैं। आज का दिन वैसे तो बहुत अच्छा है, एटमॉस्फेयर भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो जल्दी से दोस्तों इस वीडियो को लाइक करिएगा और अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ये अभी हम लोग फ्रीवे से जा रहे हैं जो कि हमारे एंटोफिल का इलाका ही लगेगा। अच्छा डॉक्टर तो कम दवा देता है, तो ये भाई जो अच्छे डॉक्टर है ना वही कम दवा देंगे, भर भर के नहीं देते। और हल्की हल्की बारिश भी होने स्टार्ट हो गई थी, तो हमने सबसे पहले सुबह का नाश्ता यहाँ पे किया। बहुत ही मज़ा आ गई थी नाश्ता करने में भी। तो मैं क्या बोलता, तुम उसको आदमी को लेके जाओ ना। और हम लोग बोर ना हो इसकी वजह से ना ओल्ड एंड गोल्ड सॉन्ग सुन रहे थे। अब यहाँ से आपको दिखेगा मालसेज घाट का नज़ारा, मुझे बहुत मजा आई। ऐसे ऐसे पहाड़ के बीच में हम लोग चल रहे थे, पूछो मत। रुकते क्या? और ये मालसेज घाट का एक पॉइंट है जहाँ पे आप अपनी सेल्फी ले सकते हैं, वीडियोग्राफी कर सकते हैं। ऑलमोस्ट नज़ारा बहुत अच्छा दिख रहा था, ऊपर देख ही रहा, फॉग दिख रहा है। हाँ बहुत दिख रहा है, यहाँ पे भी बहुत जबरदस्त वाटरफॉल होता है भाई, दो तीन जगह पर। गाड़ियाँ भी तो रुकी उधर, तो कुछ पानी गाड़ी में पानी लगती है ना। अरे ये कोने पे लग रहा है, जो मैं देखा था ये कोने पे बहुत जबरदस्त पानी का है, इतना काटो करता करता मारता है, ये देखा था। अगर आप लोग बारिश के दिन आते हैं यहाँ पे, इससे अच्छा नज़ारा कहीं नहीं मिलने वाला है। बहुत सी पब्लिक आती है गाइस मुंबई से। तो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच गए जुन्नर जाई सर के घर पे, और इसी इनोवा क्रेटा से हम लोग आए हैं। तो फ्रेंड्स अब देखते हैं यहाँ के खेतों की रौनक। सबसे पहले तो गन्ना बोया है और शायद ये ज़मीन खाली थी। और ऑनियन की खेती बहुत ज़्यादा होती है, देखिए कैसा स्टॉक करके रखते, मज़ा आ गई थी भाई। और यहाँ पे बाजरे की खेती दिख रही है आप लोगों को, फोटो निकालने के लिए ऑसम प्लेस था भाई। ये रही अपनी मिर्ची की खेती, यहाँ पे डिफरेंट टाइप की खेती होती है, मतलब हमारे यूपी से अलग ही होती है खेती यहाँ पे। तो दोस्तों ऑलमोस्ट हम लोग ने सब कुछ देख लिया, शायद वीडियो में पूरा ना दिखा पाऊँ पर मुझे बहुत मज़ा आई। और यहाँ के घर भी देख के भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप लोग गांव में घूम रहे हो।
और कल्याण से सीधा NH-61 पड़ता है, टोटली रोड वहाँ पे जाता है। आप लोग के गांव में बहुत बड़े बड़े हैं ना बंगले। शाम का नज़ारा तो कुछ अलग ही दिखता है, क्योंकि पूरा ये जो जगह है पूरी पहाड़ियों से ढकी पड़ी है। तो यहाँ पे हम लोगों ने नाश्ता कर लिया और चाय पी लिया है, फिर आगे चल के चलते ढाबे पे खाना भी खाएंगे। फ्रेंड्स, रात के 11 बज चुके हैं और खाना भी हो चुका है। यहाँ पे हम लोगों ने खाया था खाना लजीज ढाबा पे, चलते चलते हैं।